नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। हरियाणा के पानीपत जिले की विजिलेंस टीम ने समालखा कस्बे के एसडीएम कार्यालय में कार्यरत क्लर्क को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। आरोपी ने ड्राइविंग लाइसेंस की शुरुआती प्रक्रिया से लेकर आखिर तक काम करवाने की एवज में 5,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसमें वह 1,000 रुपए पहले ले चुका है। आज 4,000 और रुपए लेते हुए आरोपी रंगे हाथ पकड़ा गया। इंस्पेक्टर सरोज बाला ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव चौरासी खास के एक युवक ने 10 अगस्त को ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, जिसके बाद क्लर्क रमेश ने उससे संपर्क किया और 5,000 रुपए की मांग की और कहा कि वह उसका ऑनलाइन टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट दोनों ही टेस्ट पास करवा कर जल्द लाइसेंस बनवा देगा, जिसके बाद उसने 1,000 रुपए उससे एडवांस ले लिए थे। बाकी के 4,000 रुपए लेने का दिन आज निर्धारित हुआ था। निर्धारित समय के अनुसार क्लर्क ने आवेदक बापुरा मोड़ पर बुलाया, जहां उसे रिश्वत लेते हुए पानीपत विजिलेंस टीम ने धर दबोचा। सरोज बाला ने बताया कि आरोपी को कल कोर्ट में पेश कर आगामी कार्यवाही की जाएगी। किस पोस्ट पे था? आज एक शिकायत आई थी जी मेरे पास, तो उस शिकायत पे मैंने जी डीजी साहब से गवाह नियुक्त करवाई है इसके लिए, और मैंने रेड करने के लिए रेडिंग पार्टी तैयार करके मैं समालखा गए। ये समालखा एटीएम दफ्तर में लाइसेंस बनाता है, तो इस लाइसेंस की एवज में इसने 4,000 रुपये मांगे थे इसे, और आज इसने बापरा चौक पे इसको बुलाया, आप बापरा चौक पे मेरे पास आओ, मेरे पैसे दे देगा। तो वहाँ से मैंने इसको रेड एंडिंग रेलवे समाजियों को गिरफ्तार। कब से वहाँ पर कार्यरत है? उस पोस्ट पर कब से कार्यरत है? इसमें ये उस पोस्ट पर 15 से क्लर्क के पद पे था, 2015 से, उससे पहले ये पीएनटी पद पे था। क्या कितने रुपए की डिमांड की गई थी? इसने 4,000 रुपए की डिमांड की। क्या 1,000 रुपए पहले ले चुका था ये? जी इससे पहले कोई बात हो तो पता नहीं, लेकिन मेरे सामने 4,000 की डिमांड आई। जो शिकायतकर्ता उसने लाइसेंस कब अप्लाई किया था? अभी 9 तारीख को किया था। अच्छा, उस दौरान कांटेक्ट कैसे हुआ, क्योंकि शायद उसने ऑनलाइन इसको अप्लाई किया? हाँ जी, ऑनलाइन अप्लाई किया जी। तो कांटेक्ट कैसे हुआ इनसे? क्लर्क ने खुद कांटेक्ट किया या शिकायतकर्ता ने किया? मेरे से कांटेक्ट? नहीं, उनसे। उनसे तो खुद ही नहीं किया, शिकायतकर्ता खुद गया था। अच्छा, अब कार्रवाई क्या करी गई आपकी तरफ से? मेरी तरफ से इसके ऊपर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत प्रताड़ित किया गया। कोर्ट में कब पेश किया जाएगा? कोर्ट में कल पेश किया जाएगा। रिमांड में लिया जाएगा इसको? ये तो पच्चीस के दौरान। और भी कोई खुलासा होने की उम्मीद है? कि पहले भी नहीं सुतली हो किसी से या कुछ? पच्चीस में ही बता देगा। ठीक ठीक है।